जगदलपुर, जैसे कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे को सच कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोई भी बेटियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चाहे वे पढ़ाई की बात हो या बेटियों के सम्मान की बात। सरकार हमेशा से ही बेटियों के प्रति अपनी नजरें बनाए रखे, जिसे देख राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम सरस्वती साइकिल वितरण, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में बेटियों को साइकिल मिल सके। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों द्वारा साइकिल वितरण की जा रही है। ऐसे ही लगातार बस्तर की बेटियों के लिए भी हमेशा की तरह बस्तर की बेटियों को कोई तकलीफ ना हो, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। हम तो सभी स्कूलों में बांट रहे हैं, कोविड की वजह से कई जगह बट नहीं पाया था, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे आज हम MLP में खड़े हैं, यहाँ 300 साइकिल बांट, तो जहाँ स्टूडेंट की जितनी संख्या है उस हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं। और भूपेश बघेल सरकार की महती योजनाओं में है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरस्वती साइकिल योजना, निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक, ये सब योजनाएं लगातार हम लोग सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और ये MLP स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल रहा है, इसको एक आइडियल के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और इसके लिए जो भी ज़रूरतें होंगी उसको हम सब मिलकर हमारे शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, DMF से, CSR से, विधायक निधि, सांसद निधि, सब करके इसको हम एक रूप देना चाहते हैं। साथ ही मैंने इस स्कूल के प्राचार्य महोदया, जो बहुत ही अनुशासित प्राचार्य रही हैं, मैं ये चाहता हूँ यहाँ के सारे स्टाफ से और जो स्टूडेंट्स हैं कि बस्तर संभाग की 100 साल से पुरानी स्कूल ये एक आइडियल बने और छत्तीसगढ़ की पुरानी सूची में इस स्कूल का नाम आना चाहिए। ये एक लक्ष्य हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में मैंने इस स्कूल को दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला जो भविष्य है ये स्कूल छत्तीसगढ़ के अग्रणी स्कूलों में गिना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल